दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई पर वतन से हसीन सनम नहीं होता हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता क्या हाल चाल है बच्चों कैसे हो आप लोग आप सभी को रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे भारत के सभी बच्चों को और आज के इस दिन आज के इस मौके पे हमने भी कुछ फैसला लिया कि भारत के बच्चों के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं सर्वप्रथम सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत और ये शिक्षा का जो हमारा मकसद है ये जो हमारा मिशन है ये चलता रहेगा और इस रिपब्लिक डे पी की तरफ से हम यहाँ पर आए आपके सामने में आया और मैं अगर आपसे बात करूं अठारह से मैं शुरू करूं कहानी को 2017 से शुरू करूं तो 2017-18 में मैं YouTube पे आया बच्चों और मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू की YouTube के ऊपर और आई टी जे नीट का क्लास इलेवन ट्वेल्थ का पूरा कॉन्टेंट पूरा कॉन्टेंट फ्री में डालने की कोशिश की जितना मेरे हैसियत में था उतना मैंने डाला जितना मैंने पढ़ा था जितना मैंने सीखा था मेरी कैपेसिटी में जो बेस्ट था वो कंटेंट मैंने वहां पे दिया कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा कुछ लोगों को ठीक ठीक लगा कुछ लोग को पसंद नहीं भी आया उनकी भी इज्जत की मैंने और उनके भी फीडबैक लिए उनके भी कमेंट पढ़े खुद को और इंप्रूव किया खुद पे और मेहनत की 2020 तक मैं दो पे इस तरह से फ्री पढ़ाता रहा सारा कंटेंट फ्री में डालता रहा जब मैं ये काम कर रहा था तब भारत का कोई भी और संस्था कोई भी और एडटेक कोई भी और कंपनी अगर आप देख लो एजुकेशन की अगर किसी ने यूट्यूब के ऊपर पूरा कॉन्टेंट फ्री में पढ़ाने की कोशिश नहीं की थी कुछ एक आध इंडिविजुअल्स ने ऐसा किया था किसी कंपनी ने ऐसी कोशिश नहीं की थी कारण उसका बड़ा साफ था कि अगर हम पूरा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर फ्री में पढ़ा देंगे तो हमारे पेड बैच या हमारे ऑफलाइन कोचिंग कौन ज्वाइन करेगा यह सबसे बड़ा सवाल था जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने मुझे भी यही सवाल उठाए कि अगर आप यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में पढ़ा दोगे तो जिस दिन आप ऑफलाइन पढ़ाओगे या जिस दिन आप कोई पेड बैच निकालोगे तो कोई क्यों खरीदेगा मैंने कहा इन सब की चिंता मुझे नहीं है मैं तो चाहूंगा कि भारत का मैक्सिमम बच्चा मेरे थ्रू पढ़ पाए ये जर्नी चलती रही कारवा चलता रहा 2020 में बेटा हम लोग ने फिर ये फैसला लिया कि पीडब्ल्यू का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करें उसके पीछे सिंपल कारण ये था कि मैं अकेला जितनी हो सकती थी इलेवन ट्वेल्थ की जेई नीट की फिजिक्स वैसे तो पूरी पढ़ाई है मैंने इन डिटेल पढ़ाई है सारा क्वेश्चन कराया सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ाई बच्चों ने रिक्वेस्ट की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जो मुझे आती थी वो भी मैंने पढ़ाई और आप सबने बड़ा प्यार दिया उन वीडियोस पे आज उन वीडियोस पे किसी पे दस मिलियन व्यू है किसी पे बारह मिलियन व्यू है मतलब करोड़ करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखे बड़ी खुशी हुई पर मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं अकेला वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं सपने देख रहा हूं उसके लिए मुझे और इस संस्था को बड़ा करना पड़ेगा इस रेवल्यूशन को बड़ा करना पड़ेगा कोविड आया बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे थे फिर बच्चों ने कहा कि अब ऑफलाइन नहीं जा पा रहे अब हमें ऑनलाइन में ही पढ़ना पड़ेगा और ऑनलाइन में सर जितनी भी बाकी एजुकेशन की जितनी भी संस्थाएं हैं सबका जो कोर्स है आई का या नीट का जो कोर्स है वो कम से कम पचास साल का है क्या इसको आप कम कर पाओगे मैंने संकल्प लिया इसको मैं कम करूंगा फिर पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप आया और फिर हम बैचेस लेके आए साढ़े तीन हजार चार हजार साढ़े चार हजार में आई के साल भर के बैचेस नीट के साल भर के बैचेस शुरू शुरू में लोगों ने बोला कि यार ये इतने सस्ते बैचेस हैं इसमें क्वालिटी नहीं होगी इसमें वो शिक्षा नहीं होगी इसमें वो बात नहीं होगी पर हम लोग ने अपने रिजल्ट से अपने काम से इन सभी लोग को गलत प्रूफ किया और मैंने नहीं के बहुत बेहतरीन टीचर्स ने भारत के सबसे बेहतरीन टीचर्स जो पीडब्ल्यू के साथ जुड़े उन सब ने ये प्रूफ किया और उससे ज्यादा आप लोग ने अपने रिजल्ट से ये बात प्रूफ की पहली बार जब पीडब्ल्यू का रिजल्ट आया था तो सिर्फ हम नहीं पूरा एजुकेशन सेक्टर कहीं ना कहीं शौक में चला गया था कि ये कौन बच्चे हैं जो अब सेलेक्ट होने लग गए हैं क्या इनको भी शिक्षा का हक मिलने लग गया है अच्छा ये फिजिक्स वाला तो अब गरीबों को भी पढ़ाने लग गया यहां तक शिक्षा जाने लग गई है अब कौन मेरी ऑफलाइन कोचिंग आएगा इस बात की परवाह किए बिना हम लोग ने अगले साल इस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखा सिर्फ जेई नीट नहीं, का पढ़ाया। और ये ऐसा वैसा नहीं था, था लाख की फीस के अंदर पढ़ाया जा रहा था सेम वही कॉन्टेंट चार चार हजार रुपए के बैच के अंदर पढ़ाया जाने लगा अब इस बैच से भी बच्चा आई और नीट में सेलेक्ट होने लगा लोगों को फिर और दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई फिर लोगों ने और सवाल मेरे ऊपर खड़े कर दिए अब सवाल कुछ इस तरह के थे कि अगर आप ऐसा कुछ मॉडल बनाओगे ऐसी कोई चीज बनाओगे तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी एक बड़े बहुत बड़े एजुकेशन कंपनी के एक सीई हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था कि फिजिक्स वाला का जो मॉडल है ये सस्टेनेबल नहीं है कि फिजिक्स वाला चलने वाला नहीं है आ गया है थोड़ा बहुत कुछ करेगा एक दो साल फिर चला जाएगा सस्टेनेबल नहीं है इतनी कम फीस में बच्चों को पढ़ाना जवाब दिया मेरे बच्चों ने भारी मात्रा में बच्चे बैचेस से जुड़े फिर बच्चों ने कुछ अपनी राय दी और बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया फिर उसके बाद फिर रिजल्ट आए और रिजल्ट भी तो कैसे रिजल्ट आए एक चीज मैंने हमेशा ध्यान दी कि ठीक है अच्छी बात है ऑल इंडिया रैंक वन आए इंडिया रैंक टू आए ऑल इंडिया रैंक फोर आए डबल डिजिट रैंक आए ट्रिपल डिजिट रैंक आए पर मेरे लिए सबसे अच्छी रैंक वो होती है जब एक गांव में बैठा मजदूर बच्चा मजदूरी करते हुए मोबाइल फोन खरीदता है पीडब्लू का कोई बैच खरीदता है और सेलेक्ट हो जाता है इसके साथ ही साथ बहुत से लोगों ने यह भी बोला कि अच्छा अभी तक तो तुम फ्री में पढ़ाते थे ये तुम्हारा फ्री एजुकेशन का रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया अब तो सिर्फ पेड बैचेस होते हैं अब सिर्फ पैसा लेके तुम पढ़ाते हो

80 से ज्यादा यूट्यूब चैनल है जहां फ्री एजुकेशन लगातार चलती है, नहीं होता एकदम होता है। कोई बच्चा चाहे जिसको एक्चुअली चार हजार का बैच नहीं खरीद पा रहा वो यूट्यूब से पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकता है ये रेवोल्यूशन ऐसे चलता रहा यूट्यूब के ऊपर हमारे बहुत सारे बैचेस हैं आज पूरा इलेवंथ का कंटेंट, नीट का कॉन्टेंट इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा बाकी एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ करें फिर हम वो पहले हुए जो यूपीएससी के बैचेस लेके आए सात आठ हजार रुपए में यूपीएससी की तैयारी कॉमर्स के बैच लेके आए चार पांच हजार में कॉमर्स की तैयारी एम गेट फिर जितने भी एग्जाम हो सकते थे जितने भी सी ए गेट कॉमर्स रेलवे बैंक एस जितने भी एग्जाम हो सकते थे उन सब एग्जाम के अफोर्डेबल ऑनलाइन बैच लेके आए बच्चों ने उसमें भी भारी प्यार दिया और भारी संख्या में बच्चे पीडब्ल्यू से जुड़े डब्ल्यू आज भारत का शिक्षा का सबसे बड़ी संस्था है और ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू सबसे ज्यादा पैसा कमाता है नहीं पीडब्ल्यू सबसे ज्यादा बच्चों का प्यार कमाता है सबसे ज्यादा बच्चे भारत में आज किसी अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं तो वो पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म है आज पीडब्ल्यू के बैच खरीद के यानी जो पेड बैच खरीद के पैसा देके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 32 लाख बच्चे हैं जो एक साल में पीडब्ल्यू के ऐप पे आते हैं वेबसाइट पे आते हैं और पैसा दे के पीडब्ल्यू से पढ़ाई करते हैं इसको मैं हटा देता हूं आज पीडब्ल्यू फ्री में चार करोड़ बच्चों को पढ़ाता है और यह मेरे लिए सबसे गर्व की बात है कि जिस रेवल्यूशन के जिस एम से मैंने शुरू किया था वो एम अभी नहीं मरा है बहुत से लोग ने बोला कि अब इसका एम मर जाएगा अब ये पैसा कमा रहा है एम मेरा नहीं भरा है आज भी आप देखो नीट की कंप्लीट सीरीज चल रही है अपने यकीन चैनल पर वो आरम सीरीज प्रचंड सीरीज वहां पूरा नीट का कंटेंट पढ़ा रहे हैं जेई का पूरा कंटेंट चला मंजिल सीरीज और मंजिल ये तीसरी बार आई है अभी उम्मीद आएगी पूरा कंटेंट उम्मीद में पूरा नीट का फिर से पढ़ाएंगे क्लास इलेवन की मल्टीपल सीरीज है पेस बनाई रफ्तार बनाई क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड की सीरीज एनसीईआरटी वाला पे जेई की सीरीज जेई वाला पे नीट की सीरीज कंपटीशन वाला पे यूपीएससी चैनल पे यूपीएससी की पूरी सीरीज चल रही है कंप्लीट फाउंडेशन का कोर्स वहां पर हम लोग पढ़ा रहे हैं एस के चैनल पर एस की पूरी फ्री एजुकेशन चल रही है आज भारत का कोई बच्चा ये अब नहीं कह सकता कि मैं पैसे के अभाव से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं यह नहीं कह सकता मैं ये बात समझता हूँ जैसे मैं कहीं बैठता हूँ ना किसी महफिल में जाता हूँ कहीं ऐसे अवार्ड फंक्शन में गया अभी जैसे आ, दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो मिनिस्टर साहब ने बुलाया था तो मिनिस्टर साहब ने सारे ये जितने भी बड़े बड़े संस्था थी और सिर्फ शिक्षा की नहीं सारी संस्था को भारत के जितने भी ये वन बिलियन डॉलर वैल्यू वाली कंपनी थी सबको बुलाया वहाँ बहुत से लोग मुझसे मिले और जब वो लोग मुझसे मिले तो मुझसे यही पूछ रहे थे कि चार का कोर्स इतना सस्ता होता है आपका कोर्स तो बहुत बच्चे खरीदते होंगे चार हजार कोर्स आपने ज्यादा सस्ता नहीं कर दिया उन लोगों ने शायद हकीकत नहीं देखी मेरे पास आज एक ऐसा बच्चा भी आता है जो कश्मीर में पेंटिंग करता है और उसके बाद पैसे जुटा के चार हजार का बैच खरीदता है और वो ये बोलता है चार हजार का बैच सस्ता नहीं होता मेरे पास राजस्थान का एक ऐसा बच्चा भी आता है जो आज आई टी में पढ़ रहा है और जो आके अपने रिजल्ट वाले दिन बोलता है कि सर इस चार के बैच के लिए मुझे अपनी बकरी बेचनी पड़ गई थी तो चार हजार रुपए किसी के लिए सस्ते हैं किसी के लिए बहुत महंगे मेरे लिए चार हजार एक वैल्यू है कि अगर मैंने चार हजार रुपए लिए हैं किसी से तो क्या मैं उस वैल्यू की चीज उसको दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं और ये मैं इंश्योर करता हूं दिन रात कि मैं दे रहा हूं इसके बाद बहुत से बच्चों ने कहा कि हमें पीडब्ल्यू में ऑफलाइन आना है सर हम घर पर नहीं पढ़ पा रहे हैं और यह बात जेन्युन भी है बहुत से बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते उनको वो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है अगल बगल बच्चे चाहिए होते हैं कि अगल बगल कोई बैठे एक माहौल हो एक सोशल एटमोसफियर हो सामने टीचर खड़ा हो टीचर को मैं देख पाऊँ मेरा घर में डिसिप्लिन नहीं बनता मेरे घर में रिश्तेदार ज्यादा आते हैं घर में पढ़ने की जगह नहीं है मैं अपने आप मन लगा के नहीं पढ़ पाता मुझे सामने टीचर चाहिए फिर पी ऑफलाइन में आया जब पी ऑफलाइन में आया तो बहुत से बच्चों ने कहा कि अरे ये तो फीस बहुत ज्यादा है ऑफलाइन की फीस तो बहुत ज्यादा ले रहे हो आप ये मैं आपको आज एक हकीकत बताता हूँ एक आपको सच्चाई बताता हूँ पिछले दो साल से पीडब्ल्यू का ऑफलाइन घाटे में चल रहा है और ये चीज़ अभी इंटरनेट पर भी आ जाएगी सब रिपोर्ट तो आती है सारी वहाँ पर आप देख सकते हो पिछले दो साल से ऑफलाइन घाटे में चल रहा है क्यों घाटे में चल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो फीस रख ही नहीं पा रहे हैं जिसपे ऑफलाइन ना मुनाफे में हो ना घाटे में हो कम से कम सही प्राइस पे आ पाए बहुत सा बच्चा मुझे ऑफलाइन सेंटर पे जाता हूँ तो मिलता है जो कहता है कि सर मेरे पापा ने ना जमीन बेची है और वो पैसा लेके मैं ऑफलाइन सेंटर सर आपके पढ़ने आया हूँ बड़ी उम्मीद से आया हूँ सर बड़े मुश्किल से मैंने ये पैसे जुटाए हैं मैं खुश नहीं होता हूँ मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैंने इतना अच्छा ऑनलाइन बनाया था पिताजी को जमीन क्यों बेचनी पड़ रही है अभी भी कोई बच्चा मुझसे बोलता है बोलता है सर हम मौसी जी से उधार लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से ये ऑफलाइन की फीस जमा की है सत्तर हज़ार अस्सी हज़ार रुपये देखो हमारी ऑफलाइन की फीस मैं ये नहीं कहता हूँ कम है पर ये मैं कहता हूँ बाकी लोगों से कम है किसी भी आप नेशनल लेवल की कोई भी कोचिंग देखोगे उनसे हमारी ऑफलाइन फीस कम है पर मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑफलाइन बहुत अफोर्डेबल है करना ही मुमकिन नहीं मैंने आपको बताया ना इस फीस के अंदर भी ऑफलाइन घाटे में चल रहा है दो साल से पर जब कोई बच्चा मुझसे ये बोलता है ना सर मैं बुआ जी से उधार लेके आया हूं ऑफलाइन सेंटर में आपके पढ़ने, आपके पढ़ने कोटा सेंटर में, आया हूं, आपके सेंटर में आया हूं सर बड़े पैसे लग रहे हैं मेरे हॉस्टल के सर बड़ा प्रेशर है मेरे ऊपर मैं उसको यही बोलता हूं गधे मैंने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बनाया था ना चार में कहां से कॉन्टेंट उसमें तुझे कम लग रहा है सारे बच्चे जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं ये बात सबको फैलाएं कि अगर आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा हम आपसे बेटा हाथ जोड़ते हैं बबुआ कि आप अपने माँ बाप से ऐसे किसी तरह से पैसा नोच के छीन के परेशान करके ऑफलाइन सेंटर मत ज्वाइन करो चाहे पीडब्ल्यू का हो चाहे किसी का भी हो अगर आपके घर में ठीक ठीक पैसे हैं आपको एटमोसफियर चाहिए तो आप ऑफलाइन में जाइए और ऑफलाइन में भी जो फीस लेते हैं उसके कंपेरिबल में बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज देते हैं हर क्लास के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा है रिकॉर्डिंग मिलती है 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 डाउट सॉल्व होता होता बेहतरीन टीचर्स होते हैं आप कर रहे हो कि नहीं ट्रैक होता है, पेरेंट के लिए डैशबोर्ड बना है पेरेंट टीचर मीटिंग होती है हर बच्चे के साथ वन वन ऑन महीने में एक बार सेशन होता है बहुत फीचर्स हैं उस फीस के अंदर पर प्लीज अपने मा, माता पिता को परेशान मत करो मेरा मिशन यह था कि भारत का मैक्सिमम बच्चा पढ़ सके मेरा यही मिशन है बहुत से लोग कहते हैं कितना पैसा कमाओगे कितना पैसा कमाओगे अरे मैंने कमा लिए बहुत से पैसे मैं खर्च भी नहीं कर पा रहा हूं और मुझे जरूरत भी नहीं है शायद उतने पैसे की और इसीलिए शायद YouTube पर फ्री एजुकेशन लगातार चलती जा रही है मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपने घर वालों को परेशान करके मजबूर करके ऑफलाइन में मत लाओ ऑनलाइन का कॉन्टेंट बेहतरीन है बहुत बेहतरीन है और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है बोलने में कि शायद मेरे ऑनलाइन का कॉन्टेंट शायद ऑफलाइन से भी बहुत बेहतरीन है पर यह बच्चे की चॉइस होती है ये फैसला मेरा नहीं है बहुत से लोग बोलते हैं आपने ऑफलाइन क्यों खोला मैंने कहा ये फैसला मेरा नहीं है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा कि ऑनलाइन पढ़ाऊंगा ये फैसला बच्चे का है कि वो ऑफलाइन पढ़ेगा कि ऑनलाइन पढ़ेगा कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी पर ऐसा नहीं है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर आने के बाद हमारे ऑनलाइन बैचेस बंद हो गए या वो बहुत महंगे हो गए या हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाना बंद कर दिए हम आज यूट्यूब पे उतना ही फ्री पढ़ाते हैं वही टीचर्स यूट्यूब पर भी फ्री पढ़ाते हैं जो बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं उतना ही कॉन्टेंट यूट्यूब के ऊपर आज भी पढ़ाते हैं पर मुझे ये पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चार हजार का पांच हजार का बैच नहीं खरीद पाते हैं और उन बच्चों के लिए मैं आज लाइव आया हूं और उन बच्चों के लिए मैं कुछ आज लेके आया हूँ जो बच्चे हमारा चार हजार का ढाई हजार का बैच भी नहीं खरीद पाते उन सारे बच्चों के लिए आज मैं मैं लाइव आया और उन सारे बच्चों से मैं यहां कुछ बातें करना चाहता हूँ क्लियर हो गया होगा कि कैसा है पीडब्ल्यू विद्यापीठ अच्छा है बढ़िया बनाया कमियां है कमियां हर जगह है इंप्रूव कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं पर अगर आप सोचते हो कि ये ऑनलाइन वाला कंटेंट ऐसी मजा मिल जाए ऑफलाइन में मैं क्या किसी के बस का नहीं है वो करना क्यों नहीं है टाइम लिमिटेड होता है सीट लिमिटेड होती है जगह लिमिटेड होती है ऑफलाइन हाँ, में एक आपको डिसिप्लिन मिलता है जो ऑनलाइन देखो ये डिबेट कभी खत्म होने वाला नहीं और मैं बहुत छोटा हूं इंसान हूं जो इस डिबेट में घुस जाऊं और बोलूं ऑनलाइन बेहतर है कि ऑफलाइन बेहतर है मैं बस ये बोलता हूं बेटा आपके पास जितने पैसे हैं जितनी बड़ी आपकी चादर है आप उतना ही पैर फैलाइए ना सिलेक्शन कहां से होता है ऑनलाइन से भी होता है ऑफलाइन से भी होता है पाठशाला हाइब्रिड से भी होता है हर जगह से होता है सिलेक्शन होता है आपकी मेहनत से एक कोचिंग का रोल चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो आपकी प्रिपरेशन में बीस परसेंट का अस्सी परसेंट सिलेक्शन बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मैं सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार मेरे ऑनलाइन बैचेस बहुत बेहतरीन है आप ये मत कहना कि सर ऑनलाइन में उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है माँ बाप को ऐसे मजबूर मत करना कि मुझे ऑफलाइन जाना पड़ेगा अभी रिसेंटली दो दिन पहले एक बहुत बड़े आई ऑफिसर हैं उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजा जहां एक बच्ची ने फ्रंट कैमरे से वीडियो बना के भेजा है कि अलग सर मेरे पिताजी दूध बेचते हैं मुझे आपके कानपुर सेंटर में एडमिशन चाहिए सर प्लीज आप कुछ स्कॉलरशिप दे दीजिए मेरी फिफ्टी परसेंट फीस ऑफ कर दीजिए मैंने कहा बेटा मैं फिफ्टी परसेंट फीस ऑफ भी कर दूंगा ना तो भी ये फीस बहुत ज्यादा होगी और अगर तुम्हारे पिताजी दूध बेचते हैं तो तुम ऑनलाइन बैच से क्यों नहीं पढ़ लेते हो क्यों अपने पिताजी को मजबूर कर रहे हो क्या ऑनलाइन बैच में क्या कमी है कॉन्टेंट नहीं है डाउट नहीं क्लियर होता अभी आने वाले साल में आप देखो डाउट का जो टर्न अराउंड टाइम है डाउट सॉल्विंग जो है कल मेरी टेक टीम से डेढ़ घंटे मीटिंग चली हम लोग अब ये बात करें कि कैसे आपके डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर दें और इसी प्राइस के अंदर कर दें बहुत से लोग हमें ये बोलते थे कि आप डाउट को नहीं सॉल्व कर पाओगे किया ना यार डाउट इंजन बनाया ना धीमे धीमे उसका समय भी अच्छा होता जा रहा है आंसर भी अच्छे होते जा रहे हैं और बहुत से लोग ने डाउट सॉल्व किए पर कितने रुपए में पंद्रह हजार रुपए लेते थे डाउट सॉल्व करने का पच्चीस हजार रुपए लोग लेते हैं डाउट सॉल्व करने का साल भर का मैं इसी साढ़े चार हजार मैच के अंदर डाउट भी अब सॉल्व करूंगा अब आप कहोगे सर आप तो यार अपने ऑफलाइन सेंटर ना जाने के लिए बोल रहे हो नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑफलाइन सेंटर अच्छा है उस फीस के अंदर बहुत बेहतरीन है कंटेंट बहुत अच्छा है बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बुरा लग सकता है आप अपनी हैसियत के हिसाब से बेटा अपने पैर फैलाइए आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से आपके लिए पैसे जुटाए हैं प्लीज़ उन पर प्रेशर डाल के इस तरह से प्रेशर डाल के आप ऑफलाइन मत जाइए आपको भी दुख होता है मुझे भी उतना ही दुख होता है बहुत ज़्यादा दुख होता है आप ऑनलाइन बैचेस से पढ़िए चार हजार ढाई हजार के बैचेस हैं

ये बच्चा है जो जु झारू करके यहां तक आया है आपने पीडब्ल्यू के पोस्टर्स देखे होंगे जब हम रैंक दिखाते हैं तो हम दस हजार इज्जत करते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में अपना संघर्ष करके यहां तक आया है उसका संघर्ष किसी से कम नहीं होता भाई हर इंसान के जीवन का अपना संघर्ष है और कहा लिखा है कि जो बच्चा नीट के अंदर सात लाया है वो जीवन के अंदर छह वाले से ज्यादा सफल होगा कहां लिखा है ऐसा जीवन तो बहुत बदलता है बहुत बदलता है भाई मेरी आईआईटी के अंदर रैंक थी अब आप दिखा दो आईआईटी के अंदर जिसकी रैंक वन रैंक टेन रही वो कहां है किसी को डीमीन नहीं कर रहा हूं दे रहा हूं बस आपको मैं ये कि जरूरी नहीं है कि उस वक्त किसी की रैंक आपसे ज्यादा होगी तो आप जीवन में पिछड़ जाओगे मैंने हमेशा यह इंश्योर किया अभी वो बच्चा आया था क्या नाम है उसका मनीष कुमार उसका वीडियो भी होप्स होप्स हम लोग ने एक चैनल बनाया वहां ऐसे बच्चों का वीडियो डालते हैं मनीष कुमार एक बच्चा आया पिताजी किसान है और अभी यूपीपीएससी का एग्जाम होता है पीसीएस ऑफिसर जो बनते हैं तो सुप्रीटेंडेंट जेलर डिपार्टमेंट आ, उसको मिला है और रैंक वन है उसकी जेलर बन गया वो बच्चा और जेलर में भी होता है सबसे ऊपर होता है सुपरिटेंडेंट जेलर है ना उसके नीचे होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेलर उसके नीचे शायद जेलर होता है उसके नीचे डेप्यूटी जेलर ऐसा कुछ होता है कुछ हायर की मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता पिताजी उसके किसान है हमारे शहर से प्रयागराज से था और वो यहाँ पे आया बोला कि हमने वो उड़ान मटेरियल से पढ़ा आपके ओनली आई एस वाला पीडब्ल्यू ओनली आई के उड़ान मटेरियल से पढ़ा हम आपके ऑफलाइन भी गए थे सुमित सर के हाँ सुमित सर हम लोग का पूरा देखते हैं आई का ऐसे बच्चे जब आते हैं और सेलेक्ट होते हैं तब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है मुझे बस एक चीज का डर लगता है और वो डर मुझे सबसे ज्यादा लगा था पहली बार जब मैं एक बच्ची से मिला और बच्ची का नाम था रूबी रूबी दो साल पहले मुझसे मिली थी आप सब रूबी को जानते होंगे और रूबी के पिताजी उस वक्त ऑटो रिक्शा चलाते हैं कहीं ना कहीं बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग घर से नहीं आती आर्थिक रूप से कमजोर घर से मैं भी आता हूं शर्म क्या है आर्थिक रूप से कमजोर होना कोई कमी नहीं है अगर आप किसी गरीब घर में पैदा हुए तो उसमें आपकी क्या गलती है कोई गलती नहीं उस बच्चे की कोई गलती नहीं जो गरीब घर में पैदा हो गया हाँ गलती यह है कि अगर हम गरीब मर जाए उसके बाद यानी हमने कुछ किया नहीं जीवन भर में रूबी मेरे पास आई और सेलेक्ट हो गई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच गई मेरे ख्याल से मैमसी में पढ़ रही है शायद वो मौलाना आजाद में पढ़ रही है रूबी प्रजापति पिताजी ऑटो चलाते थे रूबी के और हमने बोला कि रूबी तुमने चार का बैच खरीदा बोली नहीं सर हम चार का बैच नहीं खरीद पाए हमने बोला क्योंकि चार हज़ार नहीं थे मेरे पास हमने कहा फिर क्या लिए बोले सर हम क्रैश कोर्स का बैच लिए थे हमने कहा अच्छा अच्छा तो दो हज़ार का तुमने खरीदा था बैच बोली सर हम दो हज़ार भी नहीं दे पाए हमने कहा फिर क्रैश कोर्स से कैसे पढ़ लिया तो बोली सर छब्बीस जनवरी को ना आपने एक डिस्काउंट निकाला था वो आपका दो का बैच ना सर उस दिन बारह सौ का मिल रहा था मेरे पास बारह सौ ही हो पाए थे किसी तरह से जुटाए थे मांग जाच के मैंने बारह सौ का बैच खरीदा उससे पढ़ा और मैं सेलेक्ट हुई और अब मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पढ़ रही हूँ शायद मौलाना आजाद में किसी अच्छे गवर्नमेंट गवर्नमेंड में तब मुझे समझ में आया कि भारत में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो चार हजार रुपए भी नहीं दे पाते और ऐसे बच्चे हर रोज मुझसे मिलते हैं हर रोज मुझसे मिलते हैं यहां हर रोज इंटरव्यू होते हैं कितने इंटरव्यू तो हम बाहर निकाल ही नहीं पाते कितने इंटरव्यूज आप देखते हो कितने आप नहीं देखते हो ऐसी बहुत सी कहानी इसीलिए मैंने आज ये फैसला लिया कि हम यूट्यूब पर तो फ्री पढ़ाते रहेंगे और पढ़ाते जा रहे हैं कोई कुछ भी बोले हमारा ये फ्री एजुकेशन का रेवल्यूशन नहीं रुकने वाला आज भारत की एक करोड़ लड़कियां फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल से फ्री में एजुकेशन प्राप्त करती है और उसके बाद एक पूजा कुमारी जैसी बेटी आती है राठ जिले के गांव से जिसकी माता जी उसकी शादी करवाने वाली थी अपनी माता जी को धमकी दी उसने कि मोदी जी को बता देंगे जेल हो जाएगी मम्मी तुमको और फिजिक्स वाला के बैच से पढ़ती है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होती है मुझे गर्व होता है कि हमने यह किया है यही देखते हुए आज मैंने यह फैसला लिया कि 26 जनवरी को कोई डिस्काउंट नहीं ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऑफर है कोई डिस्काउंट है मैंने यह फैसला लिया कि पीडब्ल्यू के इक्यावन हजार पेड बैच को मैं फ्री कर दूंगा सेशन 2023 से 2024 के लिए इक्यावन हजार पेड बैच को मैं फ्री करूंगा सेशन 2023 और 2024 के लिए एक रिक्वेस्ट होगी एक रिक्वेस्ट हो. पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे ये फ्री बैच आपको मिलेगा एक रिक्वेस्ट होगी थोड़ा सा आप अगर समाज के लिए सोचते हो तो प्लीज जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो ये फॉर्म ना भरे उन बच्चों को मौका दे और आज मैं शायद पहली बार बोलूंगा कि बच्चों इस वीडियो को शेयर करो मुझे नहीं याद मैंने कभी इतिहास में बोला हो कि प्लीज लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो कभी नहीं जब मुझे लगता है ना जैसे मैंने एक बार डिप्रेशन वीडियो बनाया तब मैंने कहा था इस वीडियो को शेयर करो जब मुझे लगता है ना कि ये जनहित का काम है तभी मैं बोलता हूँ दिन मैं कोई बैच लॉन्च करता हूं मैं नहीं बोलता हूँ कि ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ चार हजार का इसको शेयर करो नहीं बोलता मैं जिस दिन मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तब भी मैं नहीं बोलता हूँ इसको शेयर करो ऐसी मार्केटिंग नहीं पर जब मुझे लगता है कि इससे सही में इक्यावन हजार में से सोचो अगर हजार बच्चा भी सेलेक्ट हो गया या सौ बच्चा भी सेलेक्ट हो गया मुझे लगेगा यार मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है और अगर आपके शेयर करने की वजह से एक बच्चा भी सेलेक्ट हो गया तो आपको जो खुशी मिलेगी ना यार जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है ना वो जो खुशी होती है उसी को इंसानियत बोलते हैं और वो हमारा देश धीमे धीमे भूलता जा रहा है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके घर में ठीक ठीक पैसे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भरना ये उन बच्चों के लिए बुलाया है जो ढाई हजार का चार हजार का बैच नहीं खरीद पाते किस किस बैच के बच्चे किस किस लोगों के लिए बैच हमने निकाला है किन किन बच्चों के लिए ये बैच निकाले हैं बताता हूं कंप्लीटली फ्री है इसमें कोई रुपया नहीं देना है इक्यावन बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले वो बच्चे जो जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 का उनका पहला तो अब हो ही गया है सेकेंड अटैंप्ट के लिए वो पढ़ सकते हैं तो जेई का जो क्रैश कोर्स है वो फ्री है जेई क्रैश कोर्स ये फ्री होगा आपका जो भी बच्चे जेई 2024 देने जा रहे हैं वो ड्रॉपर की भी हो सकते हैं ट्वेल्थ के भी हो सकते हैं और उनको लास्ट मोमेंट पे एक थोड़ा सा पुश चाहिए एक पेड बैच हमारा जेई क्रैश कोर्स होता है जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स टू पॉइंट ओ उसका नाम है टू पॉइंट ओ क्रैश कोर्स नाम है उसका वो उन बच्चों को फ्री में मिल जाएगा जो बच्चे नीट दो हजार चौबीस देना चाहते हैं नीट दो हजार चौबीस देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए नीट क्रैश कोर्स नीट क्रैश कोर्स फ्री है टू पॉइंट ओ अच्छा अच्छी बात क्या है ये दोनों बैच अभी शुरू नहीं हुए हैं ये जे अल्टीमेट आपका शुरू हो रहा है बारह फेब से बारह फेब से क्लास स्टार्ट है पूरा रिविजन कराएंगे अच्छे से पढ़ाएंगे और नीट आपका अल्टीमेट शुरू हो रहा है उन्नीस फेब से स्टार्ट हो रहा है बैच एक्सेस कब तक मिलेगा एक्सेस आपको मान के चलो पांच फेब से पहले मिल जाएगा पांच छह फेब तक मिल जाएगा अभी पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है क्या करना है कैसे ऐप के अंदर जाना है किस तरह से अप्लाई करना है कोई रुपए नहीं लगेगा इसमें ये पूरी तरह से फ्री होगा ऑफलाइन के अंदर भी कुछ चीजें की हैं वो भी आगे बताऊंगा पर पहले इसको सुन लेते हैं इसके सिवा इसके सिवा जो और बैचेज हैं और किस क्लास के बैचेज हैं इसके सिवा अर्जुना क्लास इलेवेंथ के बच्चों के लिए जो दो हजार चौबीस में क्लास इलेवेंथ का एग्जाम लिखेंगे तो अर्जुना फोर पॉइंट ओ फ्री है क्लास इलेवेंथ जो बच्चे ले रहे हैं दो हजार चौबीस में क्लास इलेवन का एग्जाम लिखेंगे इसके सिवा अर्जुना फोर पॉइंट ओ नीट और जई दोनों के लिए फ्री है कैसे मिलेगा सर फ्री सिर्फ जाके लिख देंगे फ्री मिलेगा नहीं बेटा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा वो फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी क्योंकि हम इक्यावन हज़ार बच्चों को ही दे रहे हैं क्यों नहीं सर सारों को क्यों नहीं देते हो बेटा क्योंकि ये सब पैसे की चीज़ें होती है कितना कर सकते हैं जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं पर मैंने ये फैसला लिया है कि इस आने वाले साल में हर बैच के अंदर मैं कम से कम पाँच परसेंट दस परसेंट सीट फ्री रखूंगा हर बैच के अंदर जितने भी ऑनलाइन बैच आएंगे हर बैच के अंदर चाहे वो ड्रॉपर का बैच आए यकीन चाहे वो ड्रॉपर का बैच आए जेई का बैच आ जाए ड्रॉपर का प्रयास चाहे वो इलेवंथ का बच्चा हो ट्वेल्थ का बच्चा हो हर बैच के अंदर कुछ सीट फ्री रखेंगे उन लोगों को भी मौका देते हैं जो चार हजार नहीं दे पाते हैं और वो लोग जब सेलेक्ट होंगे जब ऐसे घर से निकल के एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो एक घर एक मोहल्ला नहीं बदलता है पूरा देश बदलता है ऐसे घरों के बच्चों को मौका मिलना चाहिए टेंथ बोर्ड बूस्टर जो बच्चे टेंथ का एग्जाम लिखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में उनके लिए टेंथ बोर्ड बूस्टर टेंथ बोर्ड बूस्टर फ्री होगा जो बच्चे टेंथ 2024 में लिखेंगे टेंथ बोर्ड बूस्टर का बैच इनके लिए फ्री होगा 2.0 क्लास नाइन्थ में जो बच्चे हैं उनके लिए नीव फास्ट ट्रैक ये बैच फ्री होगा ये सारे बैचेस क्या सबको फ्री में मिलेंगे नहीं बेटा टोटल इक्यावन हजार बच्चों को ये बैचेस फ्री में होंगे फिफ्टी वन थाउजेंड स्टूडेंट्स इसके बाद क्लास एट के बच्चों के लिए उमंग अब ये इक्यावन हजार नंबर ही क्यों रखा सर हमें लगा कि हम छोटे आदमी से जो हो सकता है हम भी वो अर्पण कर दे अभी राम मंदिर बना हमें लगा हम भी कुछ अर्पण कर देते हैं छोटे आदमी है क्या अर्पण कर सकते हैं हमें लगा शिक्षा सबसे बेहतरीन चीज जो हम कर सकते हैं तो हमें लगता है यहाँ पे अगर हम एफर्ट लगाएं यहाँ पे पैसा खर्चा करें तो सही में देश का भला होता है 2.0 उन बच्चों के लिए जो क्लास 8th 2024 का एग्जाम लिखने वाले हैं ये भी फ्री है स्कॉलरशिप इसके अंदर भी है कंप्लीटली फ्री है इसके बाद 12th का साइंस के लिए 12th का कॉमर्स के लिए 12th का साइंस और कॉमर्स 2024 के लिए बोर्ड बूस्टर यह भी बैच फ्री है जो बच्चे 2024 में एग्जाम लिखेंगे इसके सिवा इलेवेंथ कॉमर्स का भी बैच फ्री है जो बच्चे 2024 में इलेवेंथ कॉमर्स का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए भी बैच फ्री है इसके सिवा ट्वेल्थ आर्ट्स और इलेवेंथ आर्ट्स के बैच भी फ्री हैं ट्वेल्थ और इलेवेंथ आर्ट्स के बैच भी फ्री हैं इसके सिवा इन सभी बैचों के अंदर कुल मिला के इक्यावन हजार बच्चों को फ्री एक्सेस देंगे यह प्रतिज्ञा हम लोग ने ली है और बहुत से बच्चे फॉर्म भरेंगे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा सिलेक्शन बेटा इस बेसिस पे होगा कि आप पहली बात तो सच बोलना कहीं ना कहीं हम लोग डॉक्यूमेंट मांगने की भी कोशिश करेंगे पर मुझे पता है जो बच्चे असल में गरीब घर से होते हैं उनके पास इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं होता है तो भरोसे और ट्रस्ट पे ही करेंगे इसके अंदर कोई जालसाजी ना हो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें ऐसा ना करें कि ये बैच फ्री लेके किसी को बेच दिया आज तो आप ये काम करके निकल जाओगे पर इसका जो पाप लगेगा ना कोई पूछेगा नहीं तुमको बाद में ठीक है तो ये सब चीजें काउंट होती है जीवन में अच्छा करो क्यों अच्छा करें सर अच्छा करने के लिए अच्छा करो कई बार कहा जाता है बी गुड फॉर बींग गुड कोई और रीजन नहीं होना चाहिए उसके लिए जिंदगी में अच्छा काम करने के लिए कारण नहीं चाहिए होता है तो फिफ्टी स्टूडेंट्स को डब्ल्यू के पेड बैचेस के फ्री एक्सेस मिलेंगे इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा एक फॉर्म फिल करना होगा अब ये फॉर्म कहां पे होगा सर फॉर्म कैसे मिलेगा फॉर्म कैसे मिलेगा अब इसका फॉर्म कहां पे मिलेगा तो आओ देखते हैं इसका फॉर्म कहां मिलेगा आओ देखते हैं इसका फॉर्म कहां, कहां पे मिलेगा तो फॉर्म के लिए आपको जाना होगा फॉर्म आपको जाना होगा पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप में और मोबाइल ऐप में या वेबसाइट पे जहां पे भी आप हो वहां पे आप जाओगे बैचेस सेक्शन में जाओगे और यहां पे आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लोगे तो देखिए किस किस क्लास के लिए इक्यावन हजार बच्चों को फ्री दे रहे हैं क्लास इलेवेंथ के बच्चे क्लास ट्वेल्थ के बच्चे जेई की तैयारी करने वाले बच्चे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जो भी दो में एग्जाम लिख रहे हैं क्लास एट्थ के बच्चे नाइन्थ के बच्चे टेंथ के बच्चे क्लास इलेवेंथ कॉमर्स क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स क्लास इलेवेंथ आर्ट क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स तो यहाँ से बेटा आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना आप किस क्लास में हो मिसाल के तौर पे मुझे लगता है कि मैं मान लेता हूँ मैं ड्रॉपर आई आई फाउंडेशन ट्वेल्थ आई आई मान लेता हूँ मैं ट्वेल्थ आई आई का हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया मेरे सामने ये सबसे पहले आएगा पी राइट टू एजुकेशन शिक्षा हर किसी का हक है और चाहे मेरे पेड़ बैठे सस्ते हों चाहे मेरा ऑफलाइन भी हो पर क्वालिटी कंटेंट आई का नीट का यूपीएससी का एसएससी का बैंकिंग का सीए का रेलवे का सीएस का कॉमर्स का आर्ट्स का क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे पी हमेशा फ्री अवेलेबल कराता आया है कराता रहेगा एंड दिस इज नॉट अ प्रॉमिस दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग ये प्रॉमिस नहीं ये चल रहा है यहाँ पे आप आएंगे राइट टू एजुकेशन में आप इस पर एक्सप्लोर पे या इनरोल लॉ पे जिसमें मैंने उस पर क्लिक कर देना एक्सप्लोर पे अंदर गए फिर आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा ऑल क्लासेस दिखेगी अनाउंसमेंट्स दिखेगा अनाउंसमेंट्स में आप जाएंगे बेटा यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा गूगल फॉर्म का ये गूगल फॉर्म आपको भरना है चाहे आप किसी भी क्लास में हो एट नाइन टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ 2024 में आप टेंथ का एग्जाम लिख रहे हो उनके लिए भी फ्री बैचेस है 2024 में आप ट्वेल्थ का लिख रहे हो उनके लिए फ्री बैचेस है 2024 में आप आईटी का एग्जाम लिख रहे हो आपके लिए भी फ्री बैच है दो में आप नीट का एग्जाम लिख रहे हो आपके लिए भी फ्री बैच है दो में आप ट्वेल्थ का कॉमर्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आपके लिए भी फ्री बैच है दो में आप ट्वेल्थ का साइंस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आपके लिए भी फ्री बैच है सभी के लिए आपको करना क्या है मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कोई कंफ्यूजन ना रहे सबसे पहले आपको पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर जाना है कैसे हो जाना है ये तो पता है ना पीडब्ल्यू का मोबाइल ऐप पे आपको लॉगिन करना होता है ओटीपी देनी होती है अपना नाम भरना होता है थोड़ा बहुत डिटेल देते हैं अपना उसके बाद आपको जाना है बैचेस सेक्शन में बैचेस सेक्शन में जाके यहां पर अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे इस जगह पे ऊपर अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे जो भी क्लास है उस पर क्लिक कर देंगे फिर यहां पे आप देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं वीडियो को शेयर करें बहुत से बच्चों को ये बात पता चल जाएगी कि फिजिक्स वाला में इक्यावन हजार बैच फ्री है पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐप ही नहीं चलाया है मेरे पास अभी लड़की आई थी ना कल्पना कुमारी करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गई है कॉम्पिटिशन वाला पे उसका पूरा डिटेल इंटरव्यू है जंगल के पास में वो रहती थी उसने बताया सर हमने मोबाइल ही नहीं चलाया था पीडब्ल्यू ऐप के पहले पहला ऐप हमारे मोबाइल में यूट्यूब है और दूसरा पीडब्ल्यू का ऐप आपको हंसी आएगी बेटा क्योंकि आप ऐसे बच्चों से मिलते नहीं हो

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही है जिससे आप पीडब्ल्यू के ऐप पे लॉग इन करते हो इसके बाद अपनी स्टेट अपनी सिटी अपना जेंडर अगर आपका मन हो नहीं मन है तो जरूरी नहीं है योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन पाप पिताजी क्या करते हैं और इनकम स्लैब पिताजी कितना रुपया कमाते हैं साल का ये साल का है ठीक है पर ईयर का महीने का नहीं है महीने का जो ढाई लाख कमा रहा है वो फ्री बैच हम थोड़ी देंगे यार तुम तो खरीदो कैसे तो तो कैसे चलेगा पीडब्ल्यू फिर आगे कैसे फ्री पढ़ाएंगे इतना सारा टीचर है इतना सारा लोग है पंद्रह हजार लोग काम करते हैं सैलरी भी देना होता है तो ये साल भर का जिसके पिताजी साल भर में ढाई लाख रुपए से कम कमाते हैं या ढाई लाख से तीन लाख में कमाते हैं तीन से पांच लाख में कमाते हैं ये स्लैब ऐसे बने हुए हैं कौन सा बैच आपको चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर लो कि आप कौन सा बैच चाहते हो जे अल्टीमेट चाहिए नीट अल्टीमेट चाहिए आपको नीट क्रैश कोर्स चाहिए अर्जुना भाई जो चाहिए तो मैं सोचता हूँ मुझे अभी नीट का पेपर देना है मई में मई के महीने मुझे नीट का पेपर देना है और मुझे एक बार क्रैश कोर्स से पढ़ना है तो मैंने नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स ले लिया ड्रॉपर का बच्चा लेगा और ट्वेल्थ का बच्चा लेगा अब है वाई डू यू वॉन्ट दिस बैच प्लीज शेयर योर स्टोरी एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है एक लाइन में ही लिख दिया कि हाँ हमारे पास पैसा नहीं है हमें चाहिए हमें सेलेक्ट होना है ठीक है तो थोड़ा सा यहां पे लिखा इसके बाद सबमिट का बटन दबा देंगे ये कब कर सकते हैं सर हम लोग ये कब कर सकते हैं ये चीजें हम लोग कब कर सकते हैं सर ये चीज बेटा आप कर सकते हो आज से फिफ्टी वन थाउजेंड पेड बैचेस ऑफ पीडब्ल्यू फॉर 2024 एग्जाम्स फ्री है इसके लिए आपको फॉर्म भरना है फॉर्म फिल करना है फॉर्म फिल कैसे होगा पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके ऐप पे जाके कहा जाएंगे बैचेस में जाएंगे और बैचेस में जाके आपको सामने दिख जाएगा एक बड़ा सा बैनर राइट टू एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे और राइट टू एजुकेशन पे क्लिक करके आप एक्सप्लोर पे जाएंगे एक्सप्लोर पे जाएंगे बैच के अंदर कहां जाएंगे अनाउंसमेंट में जाएंगे देखिए पूरा मैनुअल बता दिया मैंने अनाउंसमेंट में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको फॉर्म मिलेगा और यह फॉर्म आप भर देंगे कब से कब तक भर सकते हैं यह फॉर्म यह फॉर्म आप भर सकते हैं छब्बीस जनवरी से लेकर कब तक है दो फेब तक है दो फेब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं छब्बीस जैन से दो फेब के बीच में यह फॉर्म भरना है इसीलिए अपने उन दोस्तों को उन लोगों को या उन व्हाट्सएप ग्रुप में इसको कोशिश करिएगा शेयर करने की जो गांव के हैं या जिनके पास शायद पैसे नहीं है गांव के क्यों बोला कि कई बार अवेयरनेस भी नहीं होती है तो हो सकता है अवेयरनेस की कमी वहां पहुंच ही ना पाए ये वीडियो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिएगा छब्बीस जैन से दो फेब तक की एक लंबा समय भी दिया है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए कि फिजिक्स वाला आई आई नीट क्लास ट्वेल्थ बोर्ड क्लास इलेवेंथ का एग्जाम क्लास टेंथ बोर्ड कॉमर्स का बोर्ड आर्ट्स के बोर्ड इन सभी के इक्यावन हजार बैचेस फ्री में दे रहा है उन बच्चों को ये बैच जो नहीं खरीद पाते ताकि वो भी सिलेक्ट हो उन सभी बच्चों को जो 2024 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं अब कैसे सिलेक्ट होगा क्या प्रोसीजर होगा तो थोड़ा सा स्कैनिंग करेगी टीम मल्टीपल लेयर्स के प्रोसेस बना रखे हैं पहले चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट दिया है कि नहीं दिया है बहुत सा बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा फिर भी कंसिडर करेंगे परेशान मत हो बिना डॉक्यूमेंट के भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा कंसिडर करेंगे आप टेंशन मत लो आपको टीम फोन करेगी फोन पे आपसे बात करेगी अब इसके अंदर जो मुझे पता है इस वीडियो के बाद क्या होने वाला है बहुत से लोग बोलेंगे किसको एक्सेस दिया किसने देखा मिला कि नहीं मिला झूठ बोल के चले गए तो मैं आपको इस पर दो तीन पॉइंट बता देता हूं पहला कि फिजिक्स वाला का ऑडिट जो करती है वो भारत की बिग फोर सबसे बड़ी ऑडिट फर्म है उनमें से एक फर्म फिजिक्स वाला को ऑडिट करती है तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कोई एक छोटा सा यूट्यूब चैनल नहीं जहाँ मैं कुछ भी मजाक बोल के निकल जाऊँ और लोग उस पर बिलीव कर लें तो हमारा ऑडिट होता है हर साल भारत की बिग फोर ऑडिट कंपनियाँ उसको ऑडिट करती हैं दूसरा बच्चों का भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो मैं नहीं खो सकता हूँ जान दे सकता हूँ बच्चों का भरोसा नहीं खो सकता ये सारी इक्यावन हजार बच्चों की लिस्ट जो सेलेक्ट होंगे इस प्रोग्राम में सेलेक्टेड फॉर राइट टू एजुकेशन इस प्रोग्राम में जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे ये पूरी लिस्ट यूट्यूब पे अनाउंस होगी और इसका पीडीएफ भी इसका पीडीएफ भी आपको दिखा दिया जाएगा लिस्ट विल बी शोन टू एवरी तो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा हम दिखाएंगे इस बच्चे का ये नाम है ये इस जगह पे रहता है और इसलिए वो ये बैच मिला है अलॉट हुआ है अब हमें कैसे भरोसा होगा तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये बैच कब मिलेगा देखो दो फेब तक भरना है फॉर्म कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है आपको फॉर्म बेटा भरना है बच्चा आपको फॉर्म भरना है छब्बीस जैन से लेके दो फेब तक इसके बाद हमें तीन दिन चाहिए होगा शॉर्टलिस्ट करने के लिए तो दो फेब को ही बैच मिल जाए ये मत सोचिएगा इसके बाद आप मान के चलो पांच फेब तक फेब तक हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे किसको बैच मिला किसको नहीं मिला दो फेब तक आप फॉर्म भरोगे पांच फेब के आप सेफ डेट लेते हैं थोड़ी सी सेफ कर लेते हैं सिक्स फेब ले लेते हैं है ना क्योंकि इसके भाई इतनी एक ऐसी पहल करें और उसके अंदर फिर इल्जाम लगे तो अच्छा चीज नहीं है हमको भी नहीं अच्छा लगता आपको भी नहीं अच्छा लगता जब कोई कुछ बोलता है छह फेब तक इसकी पूरी लिस्ट आपको डिक्लेयर कर देंगे यूट्यूब पे आके बता देंगे बस मेरी एक थोड़ी सी विनती है जिन बच्चों को इस बैच का फ्री एक्सेस मिल जाए कम से कम कमेंट सेक्शन में वो बता देना कि हमको भी बैच मिल गया है जाहिर सी बात इक्यावन हजार बच्चे नहीं बता पाएंगे पर हाँ पूरी लिस्ट हम लेके आएंगे तो यही था जो हमने सोचा था रिपब्लिक डे पर करने को पर यह ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया और यह चीज खत्म हो गई सर अब आप ये क्यों कर रहे हो पहले क्यों नहीं किए पहले नहीं थे इतने पैसे पी डब्ल्यू पे पहले इतना नहीं बन पाता था अब हो पा रहा है तो कर रहे सर आगे आगे और करेंगे बोला ना इस साल हर बैच के अंदर कुछ सीटें रिजर्व होगी सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं पर पढ़ाई करना चाहते हैं वो चार हजार का बैच ढाई हजार का बैच भी उनको फ्री में दूंगा मैं तो ये पूरा प्रोसेस है इसके साथ साथ हमारी जो ऑफलाइन की टीम है तो मेरी ऑफलाइन की टीम ने कहा कि सर हम क्यों पीछे रहें सिर्फ ऑनलाइन वाले ही करेंगे हम कुछ क्यों नहीं करेंगे हमें भी कुछ करना है सोसाइटी के लिए तो हमारी जो ऑफलाइन की टीम है पीडब्ल्यू विद्यापीठ तो मेरी ऑफलाइन टीम ने मुझसे बोला कि सर हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अगर आप कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हो तो हम भी कुछ करना चाहते हैं तो विद्यापीठ ने बोला है कि वो पंद्रह हजार स्टूडेंट्स को जो 2024 में क्लास एट नाइन्थ टेंथ का एग्जाम देने जा रहे हैं या क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हैं और 2024 में जेई या नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं पंद्रह हजार बच्चे जो एट नाइन्थ या टेंथ का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में या जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हैं 2024 में जेई नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं इन सभी बच्चों के लिए डाउट सेशंस ओपन होंगे कहां पे पीडब्ल्यू विद्यापीठ पे आपके घर के आसपास जो विद्यापीठ होगी घर के पास जो आपके फिजिक्स वाला की फिजिक्स वाला की विद्यापीठ होगी वहां पे आप जा सकते हैं फ्री में अपने डाउट पूछ सकते हैं और यहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यू का जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है वो भी आप फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर हमें ऑफलाइन जाके टेस्ट देना है हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है तो हमने कहा दे दो तो उन्होंने बोला सर पैसे लगते हैं मेरे पास पैसे नहीं है उन बच्चों के लिए ये फ्री है क्या ये सारे शहरों में नहीं मैं माफ़ी मांग लेता हूँ बेटा पहले से आपसे सारे शहरों में करना मुमकिन नहीं हो पाया सीट्स नहीं है वहाँ पे इतनी जगह नहीं है वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये चीज़ कर पाए जितना हो पा रहा है उतने करने की कोशिश कर रहे हैं पंद्रह हजार बच्चे क्लास एट नाइन टेंथ का जो एग्जाम देंगे 2024 में उनके डाउट सेशन होंगे घर के पास के विद्यापीठ में इलेवन ट्वेल्थ के जो हैं जो 2024 में जेई नीट का एग्जाम देंगे उनके लिए डाउट सेशंस भी होंगे और एआईटीएस भी फ्री होगी अब ये कैसे मिलेगा जो बच्चे विद्यापीठ जाना चाहते हैं डाउट पूछने के लिए एट नाइन टेंथ में या इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे हैं कि ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हैं सब सही चल रहा है थोड़े बहुत डाउट है कुछ डाउट सेशन मिल जाते और ऑफलाइन जाके मैं टेस्ट दे पाता और मेरे पास पैसा नहीं है देने को

तो इसको हटा देते हैं फिर से हैं तो आप यहाँ पे जाके फिर से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लो जो बच्चे विद्यापीठ जाके डाउट पूछना चाहते हैं वो जा सकते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट किए अपना क्लास फिर यहाँ पे देखो इस जगह पे देखो ऑनलाइन है यहाँ ऑफलाइन ध्यान से देख लो यहाँ पे आपका क्लास होगा ट्वेल्थ इलेवंथ जो भी है एट नाइन टेंथ यहाँ ऑनलाइन यहाँ ऑफलाइन फिर ऑफलाइन पे आप जाओगे आपको दिखेगा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन याद रख लो सब लोग राइट टू एजुकेशन वाले बैच में ही जाना है अगर फ्री बैच का एक्सेस लेना है इधर उधर जाके बैच मत खरीदने लगना बोलना बैच तो चार हजार का है फिर बोलोगे सर बैच तो अभी भी चार हजार रुपए का आप तो बोले थे फ्री का है राइट टू एजुकेशन वाले बैच में फिर बेटा यहां जाओगे आप देखो इसमें ग्यारह रुपए लिखा है अब आप कहोगे सर ग्यारह रुपए क्यों ले रहे हो तो 11 रुपए से कुछ कमा नहीं रहे हैं दिक्कत ये है कि जो ऑफलाइन वाला हमारा जो बना हुआ है ऐप के अंदर वर्टिकल जो है क्या बोला जाए कोहट बोलते हैं इसको जो ऑफलाइन का जो बनाया है उसके अंदर जीरो फीस पे इनरोलमेंट कर नहीं पाते हम लोग अलाउड नहीं है तो वहां पे 11 रुपए में आप खरीद सकते हो ग्यारह रुपए तो मुझे लगता है आप अफोर्ड कर सकते हो ग्यारह रुपए से मैं ये भी बोलता हूँ ये पंद्रह आ, लोगों से जो ग्यारह रुपये से जो भी मैं कमाऊंगा ये मैं आपके सामने अमाउंट भी दिखा दूंगा कि भाई इतने बच्चों से इतना अमाउंट लिया है और सारा अमाउंट आपके सामने एक बच्चे की कॉलेज की फीस दे दूंगा तो ये पैसा मुझे कमाना नहीं है ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे हम जीरो फीस में इनरोलमेंट कर नहीं पाते हैं टेक के चैलेंज हैं ये हमारा कोई जानबूझ के किया हुआ काम नहीं है तो ग्यारह रुपये के अंदर आप जाओगे और यहाँ पे आप इनरोल कर लोगे यहाँ पे है देखो बुक का सीट इस पर आप क्लिक कर देना बुक का सीट पे और यहाँ पे जाके ग्यारह रुपये पे करोगे और इसके बाद आप विद्यापीठ में जा सकते हो और फेब से लेके 15 मार्च या बीस मार्च तक है फेब मिलेगी पंद्रह हजार बच्चों को और ये पंद्रह हजार बच्चों से जो ग्यारह ग्यारह रुपए कमाएंगे ये सारा पैसा मिला के अपने आप बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो कॉलेज की फीस नहीं दे पाते जिनकी मैं देता हूं उसमें से किसी एक बच्चे की मैं कॉलेज फीस दे दूंगा तो ये पैसा भी मैं कमा के क्या कर लूंगा ठीक है इस तरह से आप विद्यापीठ में भी जा सकते हैं और विद्यापीठ में भी पंद्रह हजार बच्चों को फ्री का एनरोलमेंट दिया जाएगा 2024 के एग्जाम के लिए मैंने सारी चीजें बहुत क्लियरली बताई है होपफुली आपको कहीं से ऐसा नहीं लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा बोला मतलब कुछ और था क्लियर है तो ऑनलाइन के अंदर इक्यावन हजार बच्चों को फ्री बैचेस मिलेंगे एट नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के बच्चे ड्रॉपर जेई ड्रॉपर नीट के बच्चों को जो ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो भी जो कॉमर्स का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं साइंस का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आर्ट का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं टेंथ का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो नाइन का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो एट का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो इलेवन का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं वो और जो जेई दो दे रहे हैं नीट दो दे रहे हैं उनको भी मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर होगी हाँ एक लाख पैसठ हजार रुपए होगा ये किसी भी हमारे बच्चे की एक साल की डेढ़ साल की फीस होती है जिन बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं तो उसमें से किसी बच्चे को ये पैसा मैं दे दूंगा ठीक है ये मैं वादा कर देता हूं और यहां से नहीं हुआ तो अपने आप से दे दूंगा ये पैसा कमाने की बात नहीं थी मजबूरी थी कि टेक के चैलेंज थे तो ये था भाई आज का मैसेज मेरी तरफ से इस वीडियो को हो सके तो उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग शायद चार हजार का दो हजार का बैच भी नहीं खरीद पाते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए हो सकता हो आपके वीडियो पहुंचाने से और उनकी दो तीन महीने के ही फ्री एक्सेस से हो सकता हो वो सिलेक्ट हो जाए हो सकता हो इस इक्यावन हजार से कोई सौ बच्चे सेलेक्ट हो जाए और उन सौ बच्चों का जब मैं इंटरव्यू करूंगा और वीडियो आप देखोगे तो आपको लगेगा इसमें से एक बच्चे के सिलेक्शन में, में मेरा भी थोड़ा सा योगदान है यही था मेरा आपके लिए आज मैसेज मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस देश में पैदा हुआ जो हमें बहुत सी चीजों की आज़ादी देता है हम लोग कई बार अपने देश को बहुत सी चीज़ों पर ब्लेम करते हैं मैं जब भारत से बाहर किसी देश में जाता हूं तो मुझे तब ये समझ में आता है कि हमारे देश में बहुत आजादी है बहुत ज़्यादा आज़ादी है हाँ पर फ्री में नहीं मिली है आज़ादी बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे और मुझे लगता है इस आज़ादी के साथ कुछ भी हो कोई भी बात हो कोई भी मुद्दा हो कोई भी टॉपिक हो कोई भी कंट्रोवर्सी हो सबसे ऊपर हमारा संविधान है एक कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा प्रणाम है बाबा साहब अम्बेडकर जी को जिनको स्कूल में बैठने के लिए सीट तक नहीं मिलती थी बोरा लेके अपने स्कूल में जाते थे बोरे पे बैठते थे क्योंकि उस समय के हिसाब से जाति में बड़ा बटा था समाज आज भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है बाबा साहब अंबेडकर जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे थे तो बोरे पे बैठते थे क्योंकि उनको चेयर पर बैठने पानी पीना होता था ना स्कूल का जो चपरासी होता है ना वो उनको ऐसे पानी पिलाता था जग से और ऐसे मुंह लगा के पानी पीते थे और उस इंसान ने उस महान व्यक्ति ने भारत का संविधान लिखा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा देखो यूट्यूब पे जो लोग ये निठल्ले बैठे हैं जो कमेंट करते हैं ना कि अंबेडकर साहब की बुराई करते हैं कर लो यार तुम बिस्तर पे लेट के चाय पीते हुए मोबाइल में इंटरनेट चलवा के आराम से ये कमेंट करो तुम्हें नहीं पता है कि संघर्ष से बाबा साहब अम्बेडकर ऊपर आए और उन्होंने भारत के लिए क्या किया ये बात आपको समझने के लिए समय लगेगा काफ़ी समय शिक्षा लगेगी जिस दिन आप शिक्षित हो गए उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर की वैल्यू आप समझ जाओगे जिस इंसान ने भारत का संविधान बनाया जिस इंसान ने लोगों को हक़ दिलाया उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और जब मैं भारत से बाहर जाता हूं तब मुझे समझ में आता है कि इस संविधान में बात है इस संविधान में वैल्यू है वन ऑफ द द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड सो टुडे इज रिपब्लिक डे इसलिए मैंने सोचा एक बार संविधान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए घर बनाया जमीन पर पर रहते हैं हम सितारों पे मुझे गर्व है कि हमारा जन्म हुआ भारत देश में पढ़ाई करते रहे या मेहनत करते रहे मैंने अपनी ये लाइन भी अब बदल ली धीमे धीमे मैं भी बड़ा हो रहा हूं मैं भी दुनिया सीख रहा हूं जब मैं यूट्यूब पर आया तो छब्बीस सत्ताईस साल का लड़का था आज मैं बत्तीस साल का हूं अभी मैं पैंतालीस पचास का नहीं हुआ हूं कि मेरे अंदर बहुत समझ हो तो मैं हमेशा बोलता था पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट फिर मैं ऐसे बच्चों से मिला जो पढ़ाई नहीं कुछ और कर रहे थे पर मेहनत कर रहे थे तो मैं अब ये बोलता हूं पढ़ाई करते रहें मेहनत करते रहें पॉजिटिव काम करते रहें अपने मां बाप के लिए कुछ करते रहें इस सोसाइटी के लिए कुछ करते रहें ऑल द वेरी वेरी बेस्ट थैंक यू बहुत धन्यवाद बच्चों